हमने चार मांगे रखी थी, चलिए एक तो शायद पूरी हो गई जो जुवेनाइल एक्ट में हाँ पास हो गया, लेकिन हमें हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं, अभी भी एक दोषी बाहर है, तो हमारी यही मांगे है कि उसको भी किसी तरह अंदर लिया जाए और जितने जो वो चार हैं सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील है उनको समय से उनको उनकी सुनवाई हो और जल्दी से उनकी सजा हो। और हमारी दूसरी मांग है कि जो भी ऐसे केस हो रही हैं, पहले भी हुई हैं, आज भी हर रोज हो रही हैं, तो ऐसे केसों के लिए रेप हो गया चाहे गैंग रेप हो गया मर्डर हो गया ऐसे केसों के लिए हमारे तीनों कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और कागजों में नहीं हो वाकई में हो कि समय रहते विक्टिमों को सजा मिले और मुजरिमों को सजा मिले और विक्टिमों को इंसाफ मिले। इंसाफ नहीं मिलने के वजह से सजा नहीं मिलने के वजह से आए रोज घटनाएं हो रही है क्योंकि कानून का डर किसी के मन में नहीं है। तो इसलिए हमारी सरकार से अपनी कानून व्यवस्था से ये मांग है कि इन दो तीन केसों के लिए तीनों अदालत में फास्ट ट्रैक हो। महिला के सुरक्षा मध्य रखते हुए तीन साल पहले जो निर्भया फंड बना था तो हम यही चाहते हैं कि अगर महिलाओं के सुरक्षा के लिए हो है तो महिला के सुरक्षा के लिए ही यूज हो और दिल्ली सहित सारे राज्यों में फॉरेंसिक लैब हो कि ऐसे केसों में रिपोर्ट समय से मिले और समय से इंसाफ। चार मुजरिम जो अभी सुप्रीम कोर्ट में बंद हैं, अगर समय रहते उनको सजा नहीं मिली तो हम एक महीने के बाद फिर आंदोलन शुरू कर देंगे जो शुरू हुआ था, और वो फिर रुकेगा नहीं, जब तब तक नहीं रुकेगा जब तक उनको सजा नहीं हो जाएगी। ये हमारी सरकार से मांग है, गुजारिश है, और हाथ जोड़कर विशेष प्रार्थना है कि आप कृपया इस पर ध्यान दीजिए।